दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन एवं ओपीडी अटेंडेंट के लिए। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट जारी किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं सभी जानकारी, वीडियो से जुड़े रहें। और यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देख लेते हैं दोस्तों सारी जानकारी, वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे लैब अटेंडेंट और ओटी टेक्नीशियन और उसके अलावा कुछ और पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने डाउनलोड कर रखा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों जो नोटिफिकेशन है, चार नोटिफिकेशन है, सभी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। और दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कहाँ से जारी किया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन में दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सूचना के अंतर्गत जारी किया गया है, जो कि शासकीय स्वशासी संस्था महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के अंतर्गत दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना के अंतर्गत जारी किया गया है। अब यहां पे दोस्तों जो बताया गया है कि महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय इंदौर हेतु सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति एवं प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मूल दस्तावेजों के स्वच्छ परीक्षण हेतु दिनांक 21/2/2022 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आपको यहां पे 21 तारीख को जाना है और आपके ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि सारे दोस्तों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और 11 बजे से पहुंचना है दोस्तों, सुबह के 11 बजे, और यहाँ पर पहुँचने का टाइम दोस्तों 11 बजे का दिया है, उसके आगे पीछे का भी अपडेट नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम है, जो ओटी टेक्नीशियन में जिन लोगों का नाम आया है, ये आपको यहाँ पे नाम जारी किया गया है। इधर आपके फादर का नाम जारी किया गया दोस्तों, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर जारी किया गया है, और कौन सी कैटेगरी में हो आप वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो ये वीडियो को आप पॉज करके आपका नाम देख सकते हैं। और यहाँ पे ओपीडी अटेंडेंट के तौर पर जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनका नाम आ गया है, देख सकते हैं आपका नाम, यहाँ आपके फादर का नाम और आपका मोबाइल नंबर और कौन सी कैटेगरी से हैं आप, वो यहाँ पे जारी किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे भी नाम है दोस्तों, तो आपका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, फादर का नाम और यहाँ आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज जारी किया है। इसके बाद दोस्तों चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, तो वीडियो से जुड़े रहें। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर के अंतर्गत जारी किया गया है। और यहां पे जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर के रिक्त पदों पर निर्धारित वेतनमान में नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश अनुसार पदस्थ किया जाता है। तो यहाँ पर जो नाम है, ये आपको नाम देख सकते हैं, प्रकाश जी का नाम है, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं और सिलेक्शन में अनरिजर्व तौर पे हैं। ओपीडी ओटी टेक्नीशियन संविदा तौर पे इनकी ज्वाइनिंग हुई है और इनकी पे स्केल यहाँ पे बता दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे इनको जो उपस्थित होना पहुँचना है, 7 दिन के अंदर इनको पहुँचना है नोटिफिकेशन अपडेट होने के दिन से। और नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट किया गया है, 18/2/2022 को अपडेट किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और जिन लोगों का नाम आया है, ये नाम ज्वाइनिंग लेने से पहले दोस्तों ये नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, इसका अपडेट आपको एमजीएम के वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा दोस्तों, तो वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं थर्ड नोटिस दोस्तों, तो वीडियो से जुड़े रहें और थर्ड नोटिस में क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी 18/2/2022 को अपडेट जारी किया गया है। और यहाँ पे नाम जो आया है कैंडिडेट का, कुलदीप सिंह का नाम आया है। कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी से है इनका, और सिलेक्शन अनरिजर्व में हुआ है। इनका लैब अटेंडेंट के तौर पर पोस्टिंग जारी की गई है और यहाँ पर इनकी पे स्केल जो बताई गई है, पे स्केल है। उसके अलावा दोस्तों ये आपका जो नियुक्ति से संबंधित शर्तें हैं, ये सारी शर्तें अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ पे आपको भी 7 दिन के अंतर दोस्तों जाना है, लेकिन यहाँ पे जो सही से क्लियर नहीं दिख रहा है, या 9 दिख रहा है या 7 है, लेकिन आपको यहाँ पे 7 दिन के अंदर ही चले जाइएगा, वहाँ पे अपडेट आपकी जानकारी पता कर लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, सारी चीज़ें जो बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट से बात कर लेते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है तो उसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो अपडेट है नोटिफिकेशन है ये भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर के लिए जारी किया गया है। और ये जो अपडेट जारी किया गया है 18/2/2022 को किया गया है जारी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर के रिक्त पदों पर निर्धारित वेतनमान में नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन 6 लोगों का नाम यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों, जारी किया गया है। और ये जो पोस्ट है तो पोस्ट यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन के तौर पे जारी किया गया है। और यहाँ पे आपकी जो पे स्केल रहने वाली है ये बताई गई है, तो आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चयनित प्रत्याशियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य है। और आपको फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा के जमा करना है दोस्तों। उसके अलावा आपको यहाँ पे 7 दिन के अंदर दोस्तों ये ज्वाइनिंग लेना है। तो यदि आपका कोई दोस्त फ्रेंड है तो उसको वीडियो शेयर कर दें, और साथ में दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट फोटोकॉपी करवा लें, और साथ में ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएं, और समस्त दस्तावेज ज़रूर लेके जाएं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, आई लव यू।